दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ गौतम अप्लायंसेस। ये बवाना में है जहाँ हीटरों का बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी होलसेलर ट्रेडर्स जो भी रहते हैं ना, सार डायरेक्ट फैक्ट्री से जुड़ सकते हैं। तो हाँ जी, ये फैक्ट्री बवाना में है, बवाना सेक्टर 3G193। जिसे भी हीटर परचेज करना है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अभी क्या है, जैसे कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और परचेजिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि अपने यहाँ पर हीटर में रहता है, ये ऊषा मॉडल है, ये क्वार्ट्ज हीटर जो डबल रॉड में रहता है, ये मेटल बॉडी रहती है। इसका 12 पीस का पैकिंग होता है, मास्टर पैकिंग होता है, 12 पीस का रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो रॉड यूज़ करते हैं, ऊषा मॉडल हो गया या फिर अपना ये डबल रॉड में जो भी आता है हैंडल वगैरह होता है, इसमें क्या है, ये चाइना की रॉड यूज़ की होती है, ठीक है, इंपोर्टेड रहता है। इसमें बढ़िया क्वालिटी की रॉड यूज़ करते हैं। मार्केट में क्या है, रेट कम करने के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है, कम से कम रेट में तैयार करने के लिए मार्केट में कोई भी ऐसे रॉड उठा के लगा देते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, कॉस्ट कटिंग नहीं है, जो भी है क्वालिटी वाला आइटम है। क्योंकि ये सीज़न में क्या होता है, कोई भी एक बार परचेज करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर किसी ने परचेज कर लिया तो फिर सीज़न में चलना चाहिए एक सीज़न, ठीक है। ये इसकी हैवी जाली रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जाली भी हैवी है इसका। और जो अंदर पत्रा लगा रहता है जो होता है, वो भी बढ़िया क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है स्टील का। क्या होता है, बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाता है उसमें, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ये हैवी बॉडी में है। और रोटरी स्विच भी लगा रहता है इसमें, ऑन रॉड का जो रहता है, सिंगल रॉड या टू रॉड में इसे कन्वर्ट करने के लिए रोटरी स्विच रहता है। तो और इसके बाद अपना जो आ जाता है ऑर्पिट हैवल्स टाइप जो फैन हीटर रहता है, इसमें भी रेगुलेटर लगा रहता है, बढ़िया क्वालिटी का है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसकी फिनिशिंग कितनी बढ़िया है, ज़बरदस्त फिनिशिंग है। इसमें क्या रहता है, ये नीचे फैन के लिए जाली रहता है, ऊपर भी जाली रहता है। इसमें इसकी भी 16 पीस की पैकिंग रहती है, मास्टर पैकिंग जो होती है 16 पीस की होती है। लीड इसमें हैवी लगी हुई है, एक बार जैसे कि मैं आपको चेक करा देता हूँ। जी हाँ देखिए, ये लीड लगा रहा हूँ अभी, और ये देखो इसमें भी ये 2 kW का होता है। इसमें भी जो एक फ़ैन का रोटरी स्विच होता है लगा हुआ, ठीक है, और दूसरा होता है इसका, इसमें जो हीटर रहता है उसका हीट का। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग जो भी है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फिनिशिंग है। और अभी ये ऑन हुआ नहीं है, क्या हुआ, करंट नहीं आ रहा है क्या, चलो कोई नहीं, एक बार चेक कर लो ठीक से। हाँ जी हाँ, अब ये ऑन हो चुका है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें लाइट आ गई, इंडिकेटर लगा रहता है इसमें लाइट का, फ़ैन भी चल रहा है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसे कभी भी कवर करके नहीं रखना है। जो भी परचेज़ करना चाहते हैं तो एक बार वो किसी भी कस्टमर को ये बता दें कि इसे कवर करके नहीं रखना है। कवर करोगे क्या होगा, इसकी बॉडी ज़्यादा हीट होने के बाद क्या होगा, पिघल देगी ज़्यादा हीट हो गया तो। इसलिए फ़ैन का ध्यान रखें, फ़ैन चलना चाहिए। फ़ैन जो रहता है अपना, ये इंपोर्टेड रहता है, इसमें जो मोटर लगती है फ़ैन में, इंपोर्टेड मोटर होती है, बढ़िया क्वालिटी की मोटर है, कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं। फिलहाल बाय मिस्टेक ये हो सकता है, लेकिन ये बढ़िया क्वालिटी में है। आपको जैसे कि बता दूँ, इसका 16 पीस का मास्टर पैकिंग रहता है। और ये जो भी जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो ओनली बल्क क्वान्टिटी के लिए ही जुड़ें। रिटेल में एक्चुअली हम लोग डील नहीं करते, जो भी रहता है बल्क क्वान्टिटी में ही डील होती है। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ एक, जो हमारे यहाँ पर डबल रॉड में ये बोलते हैं इसके लिए हैंडल, ये हैंडल टैप रहता है इसमें, ये पैंडा भी बोलते हैं इसके लिए, कुछ भी बोलो, ये डबल रॉड में रहता है। इसकी एकदम बढ़िया क्वालिटी की बॉडी रहती है, फिनिशिंग देखो एक बार कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग है। और इसमें भी वही सेम, मतलब जो पत्रा लगा रहता है, और
बढ़िया रहा है। কলকাতার বাইরে থাকলে কলকাতার চাইনিজটা খুব মনে পড়ে, তাই তাই জন্যই নিয়ে আসুন লিশুসের রেডি টু কুক শেজওয়ান চিলি চিকেন। মাই পুরো ট্যাংরা মনে পড়িয়ে দেবে। স্টক।